इंग्लैंड की टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 में खराब प्रदर्शन करने के बाद वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंची है, जहां उन्हें 3 T20I और 3 ODI मैचेस की सीरीज खेलनी है। जहां उन्होंने वनडे सीरीज की शुरुआत कर दी है, इंग्लैंड ने पहला वनडे 4 विकेट से गंवा दिया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में वापसी करते हुए इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत अपने नाम की है। दूसरा वनडे सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेला गया। मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले वेस्टइंडीज को ऑल आउट कर दिया और फिर 4 विकेट से एक तरफा मुकाबला अपने नाम कर लिया। मुकाबले में इंग्लैंड टॉस जीतकर बॉलिंग के लिए मैदान पर उतरती है और इंग्लिश बॉलर्स ने कप्तान जॉस बटलर के इस फैसले को सही ठहराते हुए वेस्टइंडीज को 39.4 ओवरों में 202 रनों पर ऑल आउट कर देती है। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान शाई होप ने 68 रनों की पारी खेली। इसके अलावा रदरफोर्ड ने 63 रन बनाए। कप्तान होप की पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल रहा और रदरफोर्ड ने पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 32.5 ओवरों में 4 विकेट पर जीत हासिल कर ली। टीम को फिल सॉल्ट और विल जैक्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 35 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी की। उसके बाद यह पार्टनरशिप सॉल्ट के विकेट से टूट जाती है, जिन्होंने 4 चौकों की मदद से 21 रन बनाए थे। उसके बाद 11वें ओवर में जैक क्रॉली 3 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद 13वें ओवर में बेन डकेट भी 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर शतक की ओर बढ़ रहे ओपनर विल जैक्स 72 गेंदों में 73 रनों की पारी खेल 20वें ओवर में आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। इसके बाद कप्तान जॉस बटलर और हैरी ब्रूक ने 5वें विकेट के लिए 78 गेंदों में 90 रनों की अटूट साझेदारी की और टीम को जीत दिलाई। बटलर ने 45 गेंदों में 58 रन की धुआंधार पारी खेली तो वहीं ब्रूक ने 49 गेंदों में 43 रनों की पारी खेली। अब आपको क्या लगता है, ये सीरीज कौन जीतेगा, इंग्लैंड या वेस्टइंडीज? क्योंकि ये ODI मैचेस की सीरीज 1-1 पर अब आके रुक गई है और सीरीज का भी आखिरी मुकाबला खेला जाना है। इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव और ABP लाइव को।